नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दो खूबसूरत चेहरे हैं जिनके गाने 5 मिलियन क्लब के ऊपर चली गई है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले इधर देख लीजिए, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी, और इधर मारा बखिया था मर्जी बा नागेंद्र उजाला जी। इधर खूबसूरत सी परी एकदम मस्त बनु चश्मिस, दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत कैसे हैं आपको भी सादर प्रणाम है, और आपके चैनल देखने वाले जो भी आदरणीय दर्शक हैं, यहीं से 10 उंगली जोड़ करके मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आपका भी स्वागत है जी। नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को, मनचाहा न्यूज़ के सभी दर्शकों को, मेरा 5 के प्रणाम। आए झुमा के आए, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, फीडबैक काफ़ी अच्छी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बैक टू बैक गाने ने झंडा गाड़ दिया है। मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं, और सहृदय धन्यवाद दे रहा हूं पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार दुलार दे रहे हैं। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से 2 सप्ताह के अंदर 5 मिलियन आप लोगों ने व्यूज दिया। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग कर रहा है यह गाना, 10,000 से अधिक रील बन चुके हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया है, बाग बाग हो गया है। आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत अच्छा लगा, ताकि जो है हम लोगों की बातें आप तक पहुँचे और जो है आप सबका आशीर्वाद मिले। तो हम लोग आज पटना में मौजूद हैं, और क्या कहें, एकदम मन बहुत प्रसन्न है। गीत लिखे हैं अर्जुन शर्मा जी, विकास यादव जी ने म्यूजिक दिया है, और शिल्पी राज जी ने संग डुएट में गाया है, बन्नू जी ने काम किया है, राजेश गुप्ता जी निर्देशक हैं। बस ऐसे ही आप लोग का प्यार बना रहे। लोगों ने आपको सराहा, पसंद किया, फीडबैक काफ़ी अच्छी आ रही है, इनके साथ केमिस्ट्री भी जम रही है, कितना मज़ा आया काम? बहुत मज़ा आया, मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बेस्ट होता है तो उनके साथ लास्ट एक्सपीरियंस भी बेस्ट रहता है। रास्ते खुल जाते हैं जी, रास्ते खुल जाते हैं। लास्ट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी अनगिनत और अनलिमिटेड काम करें, और ऐसे ही ब्लास्ट ब्लास्ट गाने आते रहें, और ऐसे ही आप अपना प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए सभी दर्शक लोग, और आप जैसे कलाकारों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नागेंद्र उजाला का जब जब नाम आता है तो साफ सुथरे गाने आते हैं, और गानों के साथ झुमाने का नाम भी आता है। कैसे आपने आपको इतना स्थिर रखा है और उस लीक से बिल्कुल हट के चल रहे हैं, और जितने भी आपके गाने आ रहे हैं पब्लिक बहुत पसंद कर रही है? शुरू से ही कैसेट के समय से ही हमारे साफ सुथरे गाने जो भी आए हैं पब्लिक सुनती हैं, आशीर्वाद प्यार दुलार देती हैं, अंखिया फर 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 करता, दिलवा धक धक धड़कता, कैसेट के ज़माने में काफ़ी सुपर डुपर रेडियो। तो उसके बाद दर्जनों गाने, अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने काफ़ी आशीर्वाद प्यार दिया, एक ही को दिल मंगवैया 1000 बार। तो शुरू से ही साफ सुथरे गीत गाते हैं और सपोर्ट मिलता है, और सदैव गाते रहेंगे, बस आप लोग का प्यार बना रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि बहुत बड़ी गाने की तैयारी हो रही है, क्या गाना है, क्या इन्हीं के साथ जुड़ी रहेगी, फिर कोई चेंज होगा? फिलहाल में इन्हीं के संग, अभी गाना हिट हुआ है और हिट हो रहा है, तो इन्हीं के संग बहुत बड़े लेवल पर हम लोग जो है एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से सहृदय धन्यवाद दे रहा हूँ इस कंपनी के निर्माता आदरणीय कुमार आलम जी को, जो इतना मनोबल मेरा बढ़ा रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि लाखों लगे, कितना हूँ पैसा लगे, कोई बात नहीं है, गीत बेहतर लिखवाओ, बढ़िया तरीके से गाओ, बढ़िया विजुअल बनवाओ, और बड़े लेवल पे जो है पटना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जब पब्लिक का रिव्यू आ जाता है, जैसे 5 मिलियन व्यूज आ गए उसके बाद भैया ने कहा कि जाओ पब्लिक से आशीर्वाद लो, धन्यवाद ज्ञापित करो। तो आज आपके सामने है लास्ट सवाल आपसे, न्यू कमर्स हैं आप, आने के बाद आपको पसंद किया जा रहा है, सोचा था जाते ही इतना प्यार मिलेगा पब्लिक का, क्योंकि भोजपुरिया दर्शक वो पुराने चेहरे को ज़्यादा पसंद करती थी, नए चेहरे पे थोड़ा बहुत वो चैलेंज था, साथ ही साथ प्रेशर भी रहता है कि हाँ किस तरह से अपने फीडबैक आएगा, काम कैसा रहेगा, कैसे कहेंगे? इसको मैं बहुत छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, अगर अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आज की डेट में अगर मैं कहते मुँह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, नागेंद्र उजाला जैसे सिंगर और बहुत अच्छे कलाकार, इन लोगों का सपोर्ट, इन जैसे कई लोगों का सपोर्ट मेरे को रहा है, जो कि कम समय में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, और बाकी आप लोगों का प्यार और दुलार हमेशा मिलता रहता है, और आशा करती हूँ यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। सवाल आपका, आपका लेंस सही वाला है या फिर आपने शूटिंग के लिए लगाया है? अभी नज़र पड़ी मेरी, ये एडजस्ट शूटिंग के लिए लगाया है। और अच्छा, ये चश्मे की बात कर रहे हैं या के पीछे जो है? अच्छा, चश्मे के पीछे, उसके पीछे तो लेंस ही नहीं है। ये चश्मा लगाती हैं बिना शीशा का। ओके, अच्छा बिना शीशा का? हाँ, शीशा नहीं है इसमें। नागेंद्र जी, आपके पास आते जाते जाते समय कम है, अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या धमाका करने वाले हैं? भोजपुरिया फैंस 5 मिलियन क्लब तो पहुंच गए, जल्द 50 मिलियन करने वाली है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, और बहुत जल्द बड़े लेवल पे जो है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से अगला गाना हम लेकर के आ रहे हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, और सदैव जो है
जो लोग भी कुछ बेहतर कर रहे हैं उनको आप लोग आशीर्वाद देते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि हमेशा वो लोग कुछ बेहतर करते रहें। उस सफ़र में मैं भी हूँ, मैं भी बेहतर करते रहूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है गाने की, जाना, क्लिक करना, फीडबैक देना, कमेंट प्यारा सा करके ये बताना कि गाना कैसा लगा और क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार।